वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आए सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर देखिए मैं चना का घुगनी बना रही हूँ। चाय हमारी हो गई है, बासी काम भी हो गई है, बच्चे स्कूल गए हैं। आरसी नहीं गई, आरसी का बंद है, बेटा स्कूल गया है। और सुबह का जितना बासी काम होती फ्रेंड सब हो चुका है। तो मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ देखिए सुबह सुबह मैं कटहल तोड़ कर लाई हूँ, अपना पेड़ से ही कटहल तोड़ के लाया है। तो कटहल बनाने वाले हैं और यहाँ से मैं रूटीन शेयर करूँगी। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए चना मेरी फ्राई हो गई थी, तो उसमें मैं डाल दी हूँ मसाला। जो डेली की मसाला होती है वही मैं ऐड की हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ देखिए और उसे सोई हुई है, सॉरी सोया हुआ नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ देखिए 9 बज रही है और आज बहुत सुंदर धूप उगी हुई है। दो दिन थोड़ा थोड़ा ठंडा था मौसम, बारिश भी हुई थी। और आप सभी को आज कुछ मैं दिखाऊंगी जो मेरी एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट मिली है। तो आज आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से मैं नाश्ता खाना पीना मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मेरी चना का घुगनी बनकर तैयार है और मैं पराठा सेक रही हूँ। और दो चार रोटी भी मैं बनाई हूँ पापा जी के लिए, पराठा नहीं खाते हैं। और इधर मैं सभी के लिए पराठा बना रही हूँ और जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि घर में भी काम चल रही है फ्रेंड। इसी वजह से बहुत दिन से, मतलब 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर में लाइट का काम और कलर का काम हो रही है। जो नया रूम बनी है ना उस समय लाइट लगी है और कलर भी हो रही है, तो इसी वजह से भाई जी सब काम करते हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं बनाई हूँ क्योंकि आज भैया जी नहीं आए हैं, तो इसी वजह से सोचे आज मैं वीडियो बना लेती हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत कलर हो चुकी है और लाइट भी लग गई है। तो यहाँ पर पराठा मैं सेक रही हूँ और उधर हस्बैंड जी और आरुषि नाश्ता कर रहे हैं, तो उधर मैं देने जा रही हूँ, मतलब इधर बनाऊँगी और उधर देते जाऊँगी। तो गर्मा गर्म पराठा खा लेंगे और पराठा बनकर तैयार है सब। और उसके बाद मैं घर का तो बासी काम सारा हो चुकी है, अब नहाना बाकी है। पापा जी भी नाश्ता कर चुके हैं, तो इधर मैं जल्दी जल्दी जाकर दोनों को दे रही हूँ क्योंकि खाते जाएंगे और मैं बनाते जाऊँगी। तो लेकिन पराठा मेरी बनकर, सारे पराठा बनकर तैयार हो चुकी है और ये होने के बाद फिर मैं नहा कर खाना बनाऊँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड सभी का नाश्ता हो चुका है और मैं नहा कर चली आई हूँ आप सभी से मिलने। पूजा भी हमारी हो चुकी है और यहाँ देखिए कटहल को मैं काट कर गर्म पानी में धोकर वाश कर ली हूँ और इधर मैं फ्राई भी कर ली हूँ और मसाला भी ऐड कर दिए। तो हमेशा कटहल की सब्ज़ी का रेसिपी डालती हूँ लेकिन आज मैं नहीं डाली हूँ। तो कटहल की सब्ज़ी और दाल हमारी बन चुकी है यहाँ देखिए। और कटहल की सब्ज़ी में छोटी मछली डाल रही हूँ और इधर मेरी दाल बन गई है, बैंगन का भाजा बना ली हूँ और चावल बनाए हूँ। तो बस दोपहर का यही लंच रहेगी हमारी। इधर देखिए चावल हो रही थी और इधर आरुषि वीडियो कर रही है और हंस रही है। हाय फ्रेंड, तभी रात की क्लिक है और यहाँ पर थोड़ा सा सुबह में जो घुगनी बनाई थी तो थोड़ा सा बच गई थी, तो उसे मैं हम लोग सभी मिल के थोड़ा सा मूढ़ी के साथ खाएंगे, नाश्ता हो जाएगी। और आपको कुछ दिखाने वाले थे जो एनिवर्सरी में मुझे क्या मिली है, तो चलिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ खा रही हूँ, तो ये हम लोग का शाम का नाश्ता हो जाएगी। और फ्रेंड यहाँ देखिए जो नया रूम बनी है तो उसमें कलर हुई है, वाइट कलर करे अभी, और लाइट का काम भी हुई है यहाँ पर देखिए।
तो यही सब काम हो रहे थे कई दिन से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी फ्रेंड। यहाँ देखिए अभी कलर हो ही रही है, अभी प्राइमर मारना बाकी है, फिर से खिड़की सब भी कलर होना बाकी है, और लाइट का काम हो चुकी है इस रूम में। और भी जगह है जहाँ पर अभी कलर और लाइट का काम जो होगी, तो इसी वजह से मैं बिजी थी और वीडियो नहीं बना पा रही थी फ्रेंड। तो बस सोचिए अभी मैं दिखा देती हूँ आप सभी को, और अभी रात हो चुकी है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पापा जी तो हमारे ससुर जी फोटो बनवा कर दिए हैं। ये बहुत पहले की फोटो है, मतलब 2-3 साल आगे की फोटो है। तो ये फोटो बनवा कर दिए हैं, और हस्बैंड जी साड़ी दिए हैं, जो मैं साड़ी पहन के पूजा करने गई थी मंदिर, वो साड़ी हस्बैंड जी दिए हैं, और ये पापा जी दिए हैं, और बच्चे भी कुछ दिए थे अपना हाथ से कार्ड बनाकर। तो कहाँ से रख दिए मेरी बेटी, और फ्रेंड ये मेरी बेटी बना कर दी है। यहाँ देखो, ये मेरी बेटी बना कर दी है मुझे, और ये पापा जी दिए हैं, हस्बैंड जी साड़ी दिए हैं, और एक सूट भी दिए हैं। तो सूट को अभी तक मैं खोली नहीं हूँ, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, सूट भी दिए हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।